नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र में सियासत जिस तरीके से करवट बदल रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो है शिवसेना और एनसीपी समेत कांग्रेस की नैया कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जो राज ठाकरे की तरफ से एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे सरकार जो है वो बेहतरीन सरकार साबित होगी। इन सारी बातों के पीछे की वजह जो है वो ये है कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं दुखी थे जिस तरीके से उन्हें शिवसेना से अलग होना पड़ा था। उसके बाद वो लगातार यही चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में किसी तरीके से गिर जाए, और उनकी मंशा एक तरीके से पूरी हो गई है। देवेंद्र फडणवीस जब राज ठाकरे से मुलाकात करने गए तो इन सारी बातों पर मुहर भी लगती हुई नजर आई, क्योंकि राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया गया था। भले ही राज ठाकरे इस बात पर अभी खुल कर के विचार नहीं रख रहे मीडिया के सामने, लेकिन उनके मन में कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी थी सरकार बनने के बाद, उससे जाहिर हो जाता है कि राज ठाकरे इस सरकार के बनने के बाद और उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने के बाद खुश पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। वही बात करें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की, तो उनको भी राजनीति में उतारने की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से जारी है। अमित ठाकरे ने भले ही एक अलग स्टेप ले लिया है एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ, वो अलग स्टेप ये था कि एकनाथ शिंदे सरकार ने जैसे ही आर्य कॉलोनी के फैसले को पलटा और ये बयान दिया कि वहाँ पर मेट्रो कार शेड का जो काम है वो लगातार फिर से शुरू होगा और वहाँ पर काम जो है जारी होगा। इसके बाद क्या था, अमित ठाकरे वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने विरोध को दर्ज करवाया। प्रदर्शनकारी जो वहाँ पर मौजूद थे, जो विरोध कर रहे थे, उनके साथ खड़े होकर उनके हाँ में हाँ मिलाया और फिर एक तरीके से एकनाथ शिंदे सरकार को चैलेंज भी किया कि पर्यावरण की कीमत पर हमें मुंबई में जो डेवलपमेंट नहीं चाहिए। ये थी अमित ठाकरे की बात। वहीं बात करें राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र में राजनीति में एक किनारे में सिमटे हुए राजनेता के तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको भी एक ताकत मिली है। जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो उन्होंने भी अपने बोल जो है वो बोलने शुरू कर दिए, और अब लगता है कि वो एनडीए सरकार में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी विचारधारा को बदला है तो लगातार उसके बाद कयास आ रही जो है वो तेज हो गई थी कि राज ठाकरे जो है वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं या भाजपा से उनका गठबंधन जो है वो हो सकता है। इसकी संभावनाएं जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारी नज़र महाराष्ट्र की राजनीति पर पूरी तरीके से बनी हुई है और तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।